वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 8 की सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का गृह कार्य, जो कि दिनांक 17 अगस्त 2021 को दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुशासन का आरोप लगाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस राज्य पर कब्जा कर लिया? आंसर लिखेंगे 1856 में कंपनी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध पर कब्जा कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन है, आंग्ल मराठा युद्ध के कारण बताइए। कारण लिखेंगे सबसे पहले मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, यहाँ से कंपनी काली मिर्च व इलायची खरीदती थी। सेकंड, 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया था व स्थानीय सौदागरों को कंपनी के साथ व्यापार करने से मना कर दिया। थर्ड है, टीपू सुल्तान के भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारी के साथ गहरे संबंध थे, उनकी सहायता से टीपू सुल्तान ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर लिया था। टीपू सुल्तान के इन निर्णयों के कारण अंग्रेज क्रोधित हो गए व युद्ध का कारण बने। थर्ड क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति को स्पष्ट करो। आंसर लिखेंगे लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहे, ने विलय नीति अपनाई जिसके तहत किसी शासक की मृत्यु हो जाने पर या कोई पुरुष वारिस न होने पर उसकी रियासत हड़प ली जाएगी एवं कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पंजाब का अधिग्रहण कब किया गया? आंसर है महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने पंजाब का अधिग्रहण 1849 में कर लिया। फिफ्थ क्वेश्चन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स की सर्वोच्चता की नीति स्पष्ट करें। आंसर है 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी ने क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति अपनाई। लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नीति शुरू की जिसके तहत कंपनी का मानना था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च व भारतीय राज्यों से ऊपर है व अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण कर सकती है। तो ये था क्लास 8 की सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट गृह कार्य। हम इसी तरह अन्य सब्जेक्ट्स, अन्य क्लासेस के गृह कार्य भी देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।